नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करूछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा ले देखनबा कन्डोछि वर्तमान रो हेडलाइंस आउ चारि दिन सील हला एसबीआई मुख्य कार्यालय कार्यालय रो अधिक संक्रमित चिन्हट परे बीएमसी रो निष्पत्ति 8 रे 11 तारीख पर्यंत बंद हो कार्यालय पूर्व रु 2 दिन सील करथला बीएमसी संगीन होउछि कोरोना रो लेउटाणी 24 घंटा रे राज्य रे 879 कोरोना आक्रांत चिन्हट कटक रे कोविड नियम भांगी महेंद्र कोचिंग सेंटर सील सेबडे आजि देशर सबु मुख्यमंत्री को सह प्रधानमंत्री को आलोचना देशर बढ़ुछि संक्रमण आज 1,26,315 पॉजिटिव 684 जीवन नैछि महामारी वायरस 1,29,24,000 पार मोट आक्रांतक संख्या महाराष्ट्र रे स्थिति सबुठु पुणे आंध्र मनमानी कोटियारे आंध्र पंचायत एवं जिला परिषद निर्वाचन 44 धारा उल्लंघन कर भोट देवाक जाउछन्ति लोके सेबडे कोटिया प्रसंग नहीं पुणी सुप्रीम कोर्ट गले राज्य सरकार पोखरी महिला गलित शव उद्धार जाजपुर सदर थाना कपिलेश्वर गांव में पड़ रही मृतदेह हत्या करके दुर्बृत्त फिंगी संभव घटनास्थल सदर पुलिस छानबीन ब्रह्मपुर गुरुठी श्रीरंगराजपुर गांव में बोमा माड़ पूर्व शत्रुतार पी त्रिलोचन पात्र घर उपरकू बोमा फिंगिले दुर्बृत्त सदर थाना एतला पुलिस तदंत आरंभ द्वितीय डोज कोरोना टीका ने प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली एम्स में मोदी को दिगला वैक्सीन मार्च 1 रे नहीं प्रथम डोज एवं पुणि फेरला ताती तीन दिन धरी जलिबो ओडिशा 11 जिला 40 डिग्री टपिबो तापमात्रा दिन 11 रु अपराह्न 3 जाए घर न परबा को लोकों को परामर्श भुवनेश्वर यूनिट 1 स्थित भारतीय स्टेट बैंक मुख्य कार्यालय अधिक 4 दिन बंद रहिबो कार्यालय अधिक संख्यक संक्रमित चिन्हट परे बीएमसी पक्षरु एहि निष्पत्ति निया जायछि फरे कार्यालय उभय तल ओ प्रथम मला कोठा आज 8 रु 11 तारीख पर्यंत बंद रहिबो पूर्वरु बैंक रे एकाधिक पॉजिटिव चिन्हट परे 2 दिन पई बैंक को सील करथिला बीएमसी इस संपर्क में आलोचना हम भुवनेश्वर प्रतिनिधि सतरूपा सामंतराय आम सहित जोड़ सतरूपा जो भाव जहाँ सूचना आसूची जो भुवनेश्वर यूनिट 1 स्थित भारतीय स्टेट बैंक मुख्य कार्यालय को पुणी थे 4 दिन पाई बंद रहिबो तबे पूर्वर केते पॉजिटिव सामना को आसीथिले पुणी केते पॉजिटिव सामना को आसछन जाउ केते दिन धरी बंद रहिबो देखो भुवनेश्वर यूनिट 1 स्थित जो स्टेट बैंक रही आउ 4 दिन बंद रहिबो गत 4 अप्रैल रे एठी कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतला सही समय रे बीएमसी पक्षरु याकु सील करा जैतला वर्तमान जहाँ बीएमसी पक्षरु नुआ ऑर्डर आसी नोटिस हिसाब से जदि आमे देखिबा आगामी 4 दिन पर्यंत भुवनेश्वर जो यूनिट 1 रो स्टेट बैंक रही भारतीय स्टेट बैंक मुख्य कार्यालय आउ 4 दिन बंद रहिबो आज ठारु सीधा सड़क भाव में 11 तारीख पर्यंत यह बंद रहिबो पूर्वर बैंक रे एकाधिक पॉजिटिव चिन्हट हवा पर 2 दिन पई याकु सील करथिला बीएमसी पुणी थे आज बीएमसी पक्षर सूचना दिया जाए जे आगामी 11 तारीख पर्यंत यही बैंक जो रही मुख्य शाखा यूनिट 1 रे ताकू बंद करा जीवो कारण कोरोना संक्रमण को संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाइबा बेले राजधानी भुवनेश्वर रे सेठी मध्य जो रही कोरोना जो एकाधिक कोरोना संक्रमित को चिन्हट करा जाइतला बैंक रो अनेक कर्मचारी मध्य कोविड पॉजिटिव होइतबार सूचना मिलिथला तो ताकू नै बीएमसी बंद करथिला बा बीएमसी सील करथिला बीएमसी सील पोला परे बैंक को सैनिटाइज करथिला सैनिटाइज परे वर्तमान जहां बीएमसी पक्षरु सूचना आसीछि आगामी आहुरी 4 दिन बैंक को सील करा जिवो एवं जेतिकि बैंक कर्मचारी रहिछंती समस्तंकर कोविड टेस्ट करा जे वर्तमान चालीछि एवं जो माने पॉजिटिव आसीछंती सेमानंकर कांटेक्ट ट्रेसिंग मध्य चालीछि तो निहाती कोठी ना कोठी राज्यर राजधानी भुवनेश्वर रो विभिन्न कार्यानुष्ठान कथा कहतु विभिन्न जो रही बैंक बैंक कार्यानुष्ठान सबु जगार वर्तमान धीरे धीरे कोविड संक्रमण संख्या देखा मिली तो निहाती आगामी 11 तारीख पर्यंत वर्तमान जो रही बैंक रो मुख्य शाखा बंद रहिबो एवं जो रही लोके जो बैंक यही बैंक रो कारण अनेक लोक निर्भरशील जो मुख्य शाखा बैंक रही यूनिट 1 रे तो निहाती भाव में यह लोकों पर गोटे बड़ खबर कि आगामी जो रही 11 तारीख पर्यंत
ए बैंक जो रही थी भुवनेश्वर मुख्य शाखा स्टेट बैंक एंती भाबरे सतरूपा जे जेहेतु पुनी थरे संक्रमित सामना को आसे छंती जोंते पई पुनी थरे 4 दिन पर्यंत बंद रहइबो जो कार्यालय रही छि स्टेट बैंक रो मुख्य कार्यालय बहुत बहुत धन्यवाद सतरूपा सामंतराय हम भुवनेश्वर प्रतिनिधि संपर्क रे आमसत आलोचना करथिले आरटीआई कर्मी सर्वेश्वर बेहरा बोमामाड़ घटना तेज घटन पूर्व शत्रुता को नहीं होता बोमामाड़ तेज घटन तीन जन अभियुक्त को गिरफ्त गत 27 तारीख रात धर्मसरा थाना इमामनगर गांव में होता आक्रमण सांबादिक सम्मेलन में सूचना देखते जाजपुर एसपी राहुल पियार तेज मामलार अधिक तदंत जारी रही एसपी तेज डंकारी कोटि कोटि टंकार कलापथर लुट बिछाखंडी में लघु खनिज सामग्री हरिलुट मामू भणजा घाई आवास दुर्नीति और साधारण बंटन व्यवस्था होता महादुर्नीतिर खुलासा कर चर्चा को आसी सर्वेश्वर आ सबु घटन स्थानीय विधायक प्रणव बलवंत राय संप्रति से अभियोग कर मार्च को गोटे घटना होता श्रीयुक्त सर्वेश्वर बेहुरा बोली जने एक्टिविस्ट तांको उपरे बोमा माड़ आक्रमण होता धर्मशाला पुलिस स्टेशन एरिया रो इमामनगर गांव पाखरे से घटना घटी सेतेबेले एक्यूज्ड अननोन थिले से केस को आम हाई प्रायोरिटी केस भाव ट्रीट करथिलु बहुत गुरुत्व दिया गोटे स्पेशल टीम गठन होता अंडर एसडीपीओ जाजपुर रोड केस रे जो संपृक्त अच्छा पुलिस चिन्ही आउ तीन जन आक्यूज मानक धरी आज से माने कोर्ट फॉरवर्ड हेबे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चली आपण सांगे अन्य इनफर्मेसन सेयर करपर आउ किसी आक्यूज भी अच्छा से भी शीघ्र पुलिस धरवे आक्यूज मानक श्री बेहरा बेहुरा उपर प्रीवियस राइवलरी थी राग थी जेहेतु से तांकर किसी एक्टिविटी जो ये किसी इलीगल एक्टिविटी जो करुले से प्रशासन आ पुलिस नजर को आसूला आउ आक्यूज मानक विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही पुलिस कार्यवाही भी होता नहीं कि राग रखी थे आमती योजना करके अटैक कर तेरे आम सहित प्रतिनिधि संतोष कुमार साहू आम सहित जोड़ संतोष जो कथ आसुच्ची एसपी राहुल पीआर सदासों को प्रेस मीट करछंती आ से समान कथा मध्य मानिछंती जे जेहेतु दुर्नीति विरोध रे सर्वेश्वर बेउरा मुह खोलुथले जोंते पई तांको आज आक्रोश रो शिकार हेबा को पड़िला प्रकृत रे प्रेस मीट माध्यम रे एसपी कोन सब विस्तृत भाबे बखानछंती ता आपन रो जानिबा को चाहिबो देखंतु एसपी जे आज जो प्रेस मीट करथले एसपी कहितले जे पूर्व शत्रुता को केन्द्र करकी ए जो बोमामार होईति आ एथिरे तीन जन अभियुक्त को गिरफ करा जाईति आउ सेमानक ना प्रकाश करिनांती जेहेतु तदंतरे बाधा उपजिव बोली सेमानक ना प्रकाश करिनांती ओके संतोष केवल ए तीन जणक ना सामना को आसुची केवल तीन जण एथिरे संपृक्त ना या सहित आहुरी अधिक व्यक्तिक संपृक्ति रहिछि एने कोनोसे सूचना दैछन्ते केएसपी नहीं सी केवल तीन जण बोली वर्तमान कहिछन्ती तनु तांकर आउ अधिक तदंत चालीछि आउ केते किए किए आउ केते जण अछन्ती ता भितरे सेमान मध्य खूब शीघ्र कहिबे बोली एसपी कहिछन्ती ओके बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित कोरे प्रतिनिधि संतोष कुमार साहू जोड़ी होते जहाँ से कहते जे आज एसपी प्रेसमिट मध्यम पूरा तथ्य रखिंट जे वर्तमान सुधा ए घटन तीन जन अभियुक्त को गिरफ्त जेहेतु तदंत तो बाटबणा हो पाए से से अन्य मानक नाम मध्य सामना को आसी नाई एवं एकाधिक लोकंकर संपृक्त थिबा जा कुआ जाउची तनो वर्तमान सुधा जदियो तीन जन को गिरफ्त करा जाईची तदंत पूरापूरी भाबे चालीची एवं तदंत परे आउ केते लोकंकर संपृक्त रहछ आउ केते जन सामना कोछंती ता परे मध्य नजर रहइबो सेबडे सर्वेश्वर बेहरा उपर होइतबा बोमा माडर उच्चस्तरीय तदंत पई सूचना अधिकार अभियान पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन करा जाइछि अपराधी को तुरंत गिरफ दाबी सह षड्यंत्र खुलासा करबा पई दाबी करिछंती सूचना अधिकार कर्मी पूर्वर सूचना अधिकार कर्मी को होइतबा हत्या घटना रे संपृक्त अभियुक्त को गिरफ करबा प्रतिवाद रे डीजी कार्यालय सम्मुखरे अभियान पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन करा जाइछि विभिन्न दाबी को नै डीजी को एक स्मारक पत्र प्रदान करिवे सूचना अधिकार कर्मी
तेबे जहां सूचना आसुची जे सर्विसर बेउरिया जे रहितले सूचना अधिकार कर्मी तांको जेंबुली बाबे बुमाबाड़ करा गला या सहित पूर्वरु सूचना अधिकार कर्मी रंजन दास को मध्य हत्या करा गला किंतु वर्तमान सुधा कोनोसे अभियुक्त को सठिक रूपे सामना कोणा जायनी तेबे एहारे प्रतिवाद रे सूचना अधिकार कर्मी प्रतिवाद करछन्ते विक्षोभ करछन्ते शासक ने चलछु हम प्रतिनिधि इमरान खान अछन्ते बाबत रे आलोचना पे इमरान जहां सूचना आसुची कि जे आज सूचना अधिकार कर्मी माने प्रतिवाद करछन्ते जेतु तांकरी मध्यरु जे माने दुर्नीति विरोध रे मुह खोलुछन्ते तांको केतेबे हत्या करा जाउछि केतेबे आक्रमण करा जाउछि कोन ताजा चित्र सामना को आसुछि इमरान निमित्त देखु जर्तरे अपना राज्य में सूचना अधिकार कर्मी मानते आक्रमण करत्या से किद पूर्व जाजपुर जिलार विशिष्ट सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहरा बोमामाड़ होता और जेहेतु धर्मशाला स्थानीय विधायक प्रणव बलवंतरायों संपृक्ति गिरफ करने प्रतिवाद में दाबी उठुला और जो मैंने अभियुक्त अच्छा षड्यंत्रकारी अच्छा से विरुद्ध में पुलिस केवे कार्यानुषान नब से केवे धरव ताकि दाबी उठुची और सहित जो अन्य सूचना अधिकार कर्मी अच्छा से जो हत्या कर संपृक्त अच्छा अभियुक्त माने से गिरफ्तार दृश्य देखेबी सूचना अधिकार कर्मी अभियान पक्षर डीजी अफिस् डीजी कार्यालय सम्मुखें बर्तमान बैठी स्लोगान दि जाऊँच प्रतवाद प्रतिनिधि दल जाकि डीजी को भेटे दावीपत्र देते आम सहित अच्छा सूचना अधिकार अभियान आवाहक अच्छा प्रदीप प्रधान सबको आलोचना करवा प्रदीप भाई आज जो आजी को भेटे कौन दाबी सब जनवे डीजी को भेटिक एक्चुअली सर्वेश्वर बेहरा जो बोमामाड़ है प्राय आसी बार दिन बीतीगला एपर्तंत किए षड़ी ए कौ मैंने अपराध घटना घटाई तार कौन खुलास है ना आज सका जहाँ आम शुणुल एसपी गोटे प्रेस मिट कर जे आम आरेस्ट करूँ कि आरेस्ट कले मीडिया देखले ना भी मत भी डिस्क्लोज कले ना तेणु एथु जमापड़ी जे कौनसी ना कौन जगार पुलिस घटनाटा को तदंत ठीक भाव करूँ एवं घटनाटा को सप्रेस करने पुलिस चेष्टा करो बोमामाड़ी बोमामाड़े जी रिलु बेहरा सर्वेश्वर बेहरा धर्मपत्नी जे एफआईआर देपर्तंत से एफआईआर को रजिस्ट्रेशन कले ना एवं जे मुख्य अपराधी बोली आलिगेसन से आनी स्थानीय विधायक प्रणवंत राय ताकूर्तंत्र तदंतर परिसरभुक्त कराला ना जो खणिया माफिया मैंने पचर अच्छा षड़ कर हत्या करने षड़ करते तदंतर परिसरभुक्त कला ना तेणु कौनसी ना कौन से जगार पुलिस घटनाटा को रफदाप कर चेस्टा करुँच अपराधी मान सुरक्षा दूँगी अपराधी जो मैंने घटे षड़ी जे विधायक प्रणवंत राय ताकू पुलिस सुरक्षा देकर ये कम करुचे तेणु आम से आज आसीचु डीजी की भेटबू यू कथ अप्राइज करूँ जो कौली भाव में राज्यव्यापी सूचना अधिकारी मान हत्या कराऊ मिथ्या केस कराऊ आपड़ जानते श्रीकांत पागल ना भी ये भाव मिथ्या केस कर जेल पर विष्णु सेठ पदी पद से जो दुर्नीतिग्रस्त आईएस अधिकारी कौली भाव में ओडिशा को लुट करुद्ध से केस कर संपर्क में से लिखि आज से मिथ्या केस कर पुलिस आज थाना जेल में पुरैसे तेणु राज्यव्यापी जो भाव में सूचना अधिकारी मान हत्या कराऊ मिथ्या केस कर जेल पराऊँ से मणात्म आक्रमण होार प्रतिवाद में आम आसीचु डीजी आज भेटबू आज दाबीपत्र प्रदान करूँ और अनुरोध करूँ जो सूचना मैंने सुरक्षा दि जाऊ जो मैंने दुर्नीतिग्रस्त जो मैंने राज्य को लुट करुद्ध में कार्यानुषान ग्रहण करूँ जो मानक जो मैंने विरुद्ध में लड़ुंक पुलिस सुरक्षा देवा पर पुलिस ये हरण करुँच पुलिस घटना को सप्रेस करुँ कौन तदंत को करने सुजोग दौनी अल्टिमेटली कौन हो ना अपराधी मैंने जो मैंने घटना घटू उत्साहित होती शासक दल विधायक शासक दल खणी बेपारी इमरान आज राज्य सूचना अधिकार कर्मी मैंने असुरक्षित जदि से सोर उठाऊपर एभली भाव आक्रमण करमती हत्या धमक दि जाऊँच भाव से जीवन को विपद को टाणी नि जाऊत मिथ्या केस्रे फसाई दि जाऊँच बहुत बहुत धन्यवाद इमरान खान आमको आम प्रतिनिधि सीधासख आम सहित आलोचना करते लोकों प्रतिक्रिया शुणाते आसवा परवर्त खबर को कोटिया प्रसंगे पुणी सुप्रीमकोर्टे आवेदन दायर करते राज्य सरकार आंध्र को निर्वाचन करायबार विरत रखा आवेदन में अनुरोध कर निर्वाचन कले आंध्र विरोध में कोर्ट अवमानना मामला लगे आवेदन हो कोटिया पंचायत निर्वाचन करने लगी आंध्र हाइकोर्ट निर्देश पर आंध्र सरकार पक्ष आज कोटिया निर्वाचन करने आशंका रही दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल बाबद आलोचना पर आम सहित जोड़ी तेज गगन गोटे पटे राज्य सरकार कौनसी प्रकार सामना कर पार ना आंध्र सरकार को एवं जो आंध्र तार मनमानी देखाऊँच गोटेपर गोटे इलेक्शन कर चलती आपटे राज्य सरकार पूर्व सुप्रीमकोर्ट जाते आज पुणी सुप्रीमकोर्ट जा कौन अधिक अपडेट आसूँ
ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-2 ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଗତକାଲି ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ 2-2 ନିର୍ବାଚନ ସେମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ 144 କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କଥା ଯେଉଁ ଆଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଗତକାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା ଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଯାକ ମ୍ୟାଟର ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଯାକ ମ୍ୟାଟର ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇନି, କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଟାଇମିଂର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ିକ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଏନି, ତେଣୁ ସେୟା ବୋଧେ ହେଇଛି ଯାହା ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ନନ୍ ରେକର୍ଡ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଟରଟି ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଟରଟି ଶୁଣାଣି ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସିବ କେବେ ହିୟରିଂ ହେବ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ଦୁଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟରଟି ହିୟରିଂ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟପାଠରେ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆମର, ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ରଖିଥିଲା। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲିଗାଲ ଟିମ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଉଁ, କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କାଲ ଆପ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କିଏ ଥେ ଅର୍ ଆଶା ଥା କି ଆସନ୍ତା କାଲି ହିୟରିଂ ହୋଇ ଯାଏଗା, ଲେକିନ ଅଭି ତକ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ନେଇ ହେ ମ୍ୟାଟର, ତ ଟୁମରୁ ନଟ ହିୟରିଂ ମ୍ୟାଟର। ନୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋ ହମନେ ଯୋ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫାଇଲ କିଏ ଓ ରେକର୍ଡ ପେ ଆ ଗଈ ହେ ମ୍ୟାଟର, ଜିସ ଦିନ ଲିଷ୍ଟ ହୋଗା, ଅଗର କଲ ମ୍ୟାଟର ଲିଷ୍ଟ ହୋତା ହେ ୱି ଆର ଭେରି ହୋପଫୁଲ କି ଅଗର ଲିଷ୍ଟ ହୋ ଯାଏ, ବଟ ଅଭି ତକ ତ ହମାରେ ପାସ ୱୋ କଜ ଲିଷ୍ଟ ମେ ଶୋ ନହିଁ କର ରହା ହେ, ଶାମ ତକ ହମ ଲୋଗ ୱେଟ କର ରହେ ହେ, ଅଗର ଶାମ କୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଲଗା ଦେତି ହେ, ଅଗର ବେଞ୍ଚ ଆସେମ୍ବଲ ହୋ ରହି ହେ ଅର କାମ ହେ ହମାରା ବେଞ୍ଚ କେ ପାସ ହମାରେ ପାସ ଟାଇମ ହୋ ଯାଏଗା, ତ ଫିର ୱୋ ଉସକେ ସଙ୍ଗ ବେଞ୍ଚ ମେ ଲିଷ୍ଟ ଆ ଯାଏଗା, ଲିଷ୍ଟ ମେ ହମାରା ମ୍ୟାଟର ଶୋ କରେଗା। So we can only tell it after tomorrow. पहला पिटिशन जो था उसमें आप कंटेंट ऑफ कोर्ट वायोलेशन वाई ऐसे डिमांड किए थे, दूसरे पिटिशन में आपका मेन इशू क्या है और क्या आप दूसरे पिटिशन, एक पहले पिटिशन है फिर दूसरे पिटिशन डालने का क्या इरादा? हमने कोई दूसरी पिटिशन नहीं फाइल करी है, हमने उस पिटिशन के अंदर एक एप्लीकेशन मूव करी है। एप्लीकेशन में हमने ये बताया है कि जो पहले एक इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट कराया था वो कोर्ट की वायलेशन थी, कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया था हमने उसको रिट्रेट करा है और बताया कि ये फिर से आज के लिए कोई इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं टू देयर दिस मंडल प्रजा समिति एंड जिला प्रजा समिति, तो उसके लिए जो हमने उनको बताया है कोर्ट को हमने इंटीमेट किया है कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, बिकॉज वहाँ पे देर कुड बी फ्रैक्शन एंड देर कुड बी द सिचुएशन कुड बी वेरी वोलेटाइल लीडिंग टू अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दैट लोकेलिटी, उसको इंटीमेट किया है कोर्ट को हमने, और हमने कोर्ट को बताया कि आपने जो ऑब्जर्व किया था उसके बावजूद ये लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, बार बार इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं, इन्होंने जो अंडरटेकिंग दी है उसका वायलेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने ये सारी चीज़ उनको बताई है सो दैट इट ब्रिंग्स ऑन द इंटायर फैक्ट्स brought on record of the court। जब पहले पिटिशन पे आंध्र ने एफिडेविट फाइल किया वो मेंशन किया कि कुटिया हमारा है, जो दूसरे में जो मेंशन किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने पूरा 2011 सेंसस को लेकर जो जो काम हुआ है उसको मेंशन किया, आप अगले हियरिंग पे आपका डिमांड क्या रहेगा? अगली हियरिंग पे हमारा होगा कि कोर्ट अब डिसाइड करेगी कि इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी तो अंडरटेकिंग में इन्होंने क्या बोला था कि स्टेटस को मेंटेन करेंगे ना कोर्ट, इट अब कोर्ट के सामने दोनों पक्ष के जो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। हमारा क्लेम है कि बिफोर जब ब्रिटिश ने बनाया था उड़ीसा को बनाया था, उड़ीसा को जो बनाने का टाइम था तो हमारे जो 19th देखो निश्चित भाव जो भाव निरंजन साहु सूचना दूसरे तेज आगामी हियरिंग के किभली भाव से मेनसन कर नजर रही निवेदिता ବିଶ୍ୱାଳା ମଦିଲି ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସଦାସଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଜାରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯାହା ସେ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ତେବେ ପିପିଲିରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ, କୌଶଳଗଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳର ହରିଅନ୍ତାରେ ସେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ପିପିଲି ନରସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଦାସଳଖ
प्रचार करने ओल्लैंट जी ओडिशा प्रभारी रही डी परमेश्वरी सहित आलोचना करवा केमती प्रचार रही लोकंर रेस्पन्स कि रही। मैम स्वागत करते हैं आपको अर्गस को, आप आज आज प्रचार के लिए आए हैं, कैसा देख रहे हैं लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहा है? नहीं, बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए लोग उतावले हैं ये मैं समझती हूँ। जैसे हम मैंने अभी कह रही थी कि यहाँ जो पिछड़ापन है, यहाँ जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। 7 साल से यहाँ के प्रशासन में रह के भी जिनको बेटे को टिकट अभी मिला है, यहाँ बहुत पिछड़ापन है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। और जो अभी अभी तूफान भी आई थी उसका जो कॉम्पेंसेशन मिलना था वो भी यहाँ के लोगों को नहीं मिला। ये सब लोग देख रहे हैं और हम मानते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए विकास मुद्दा है क्योंकि यहाँ 7 बार MLA रहने पर भी यहाँ विकास नहीं हुआ है, ये पूरे के पूरे लोग जानते हैं। और यहाँ एक भी परिश्रम या इंडस्ट्री नहीं आया है जो हमारे बच्चों को रोजगार दे सके। महिलाओं के साथ कुछ डिस्कस हुआ है क्या यहाँ के लोकल महिलाओं के साथ, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? क्योंकि बीजू जनता दल जो है शासक दल जरूर अच्छा है। निश्चित भाव आप देखुले जहाँ प्रतिक्रिया रोला ओडिशा प्रभारी जे समस्त भल रेस्पन्स रही जो विकास प्रमुख मुद्दा रही एठाकर लोकंर असुविधा रही फनी बात्यार बर्तमान सुधा लोक को सहायता मिल पारे ना से सबक आधार कर लोक एथर भोट देवे जहाँ निश्चित भाव में प्रतिफलन एवं बीजेपी ही एठार जयजुक्त कर गोटे प्रकार दृढ़ोक्ति प्रकाश करेबे बास्तव में निर्वाचन रेजल्ट कौन होता फलाफल आसला ही जमापड़ पिपिली कैमेरा पर्सन हेमंत रोशन नाथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज। परवर्ती खबर को राज्य में संगीन होबार लागिछे कोरोना संक्रमण, गत 24 घंटे राज्य में 878 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती क्वारंटीन 518 स्थानीय संस्पर्शे आसी 361 जन आक्रांत होती। संक्रमित मिसाई राज्य में जबत मोट चिन्हट संक्रमित संख्या 3,45,526 पहुंची। अनुगुल 20, बालेश्वर 22, बरगढ़ में 53, भद्रक 17, बलांगीर 26, बौद्ध 1, कटक 50, देवगढ़ 1, गजपति 1, गंजाम 31, जगत सिंहपुर 2, जाजपुर 15, झारसुगुड़ 23, कलाहां 43, कंधमाल 5, केन्द्रापड़ 9, केन्दुझर 25, खोर्धार 144, कोरापुट 5, मयूरभंज 29, नवरंगपुर 19, नयागढ़ 6, नुआपड़ 61, पुरी 45, रायगढ़ 13, संबलपुर 48, सोनपुर 2, सुंदरगढ़ 131 और राज्यपुर 32 जन चिन्हट होती। अंपटे राज्य में 3,38,662 जन सुस्थ होती, अंपटे एवं 4,888 जन चिकित्सित होती। समय सरी बुलेटिन के नमस्कार।